हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस क्लास। तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस बिगिन। द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय लाइन एक्स इक्वल टू ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, याद करिए प्लस वन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमने पढ़ा था, राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स होता है 0, 0 पे, कुछ ऐसा बनाया था ना हमने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजन कुछ ऐसा। अगर मैं 4a की जगह पे 1 लिख देता हूं, कॉन्स्टेंट है ना 4a, तो बच्चों ऐसा बन जाएगा। तो वो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, तो जो राइट हैंडेड पैराबोला है इट इज अ, आप लिख सकते हो इट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स जो है 0, 0 पे, वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट के राउंड ऊपर और नीचे सेम चल रहा है, सिमेट्रिकल चल रहा है, यहां पे चेंज कर रहा है इधर भी इधर भी। तो ये लाइन जो है ए कॉन्स्टेंट है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, याद करिए ना प्लस वन में पढ़ा था एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, अगर एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हो तो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर वाई इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हो हाँ जी तो एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल होती है। तो एक्स इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस समान होता है। तो इसको बनाएंगे फटाफट, देखिए ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये ओरिजन है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है, तो ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 1x और लाइन है एक्स इक्वल टू 4। तो बच्चों इस लाइन और पैराबोला में एरिया बना ओ ए बी सी ओ, ये एरिया बना। तो एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑफ लाइन। तो एक लाइन है एक्स इक्वल टू ए, इसने इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इस लाइन के लेफ्ट वाला एरिया, इसका नाम दे दो डी, कहीं लिख दो ई एफ। तो अगर इस लाइन ने इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो इस लाइन के लेफ्ट वाला एरिया और राइट वाला एरिया इक्वल है। क्वेश्चन क्या है, तो क्या लिखोगे, सिंस एक्स इक्वल टू ए लाइन डिवाइड कौन सा एरिया, जो पहले वाला एरिया, एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इक्वल टू 4। सिंस दिस लाइन डिवाइड एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो कहना पड़ेगा भाई कि एरिया, ठीक है, एरिया लाइन के लेफ्ट वाला, लाइन के लेफ्ट वाला एरिया वो कौन सा है, यहीं से शुरू करो, ये देखो लाइन के लेफ्ट वाला यहां शुरू करते हैं, एरिया डी ओ एफ ई डी, ये वाला एरिया ना लेफ्ट वाला लाइन के एरिया, एरिया डी ओ एफ ई डी किसके इक्वल है, लाइन के राइट वाला एरिया, ये वाला राइट वाला एरिया, फिर डी से शुरू हो गया कि दिख जाए कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, डी डी ए बी, डी ए बी सी, देखिए डी ए बी सी एफ ई डी, एफ ई डी, लाइन के लेफ्ट वाला एरिया और राइट वाला एरिया इक्वल है। तो बच्चों तो ये भी जानते हैं पैराबोला में सिमेट्रिकल होता है एक्स एक्सिस से, जितना ऊपर नीचे सेम है, अगर लाइन के लेफ्ट वाला एरिया लाइन के राइट वाले एरिया भी इक्वल है और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, तो कह सकते हैं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है, कह सकते हैं। तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं एरिया, ये देखिए एरिया कौन से यहां शुरू हो गया, एरिया ओ डी ई ओ, ओ डी ई ओ बराबर है ये वाला एरिया के, कह सकते हैं ना क्वाइट ऑब्वियस, एरिया ई डी ए बी ई, ई डी ए बी ई, तो ये दोनों बराबर है। तो बच्चों ई के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ई के एक्स इक्वल टू ए लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ई क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन एक्स इक्वल टू ए। तो ये लाइन पे जो भी पॉइंट्स है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स,
एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो ई क्या है, इस लाइन का पॉइंट है, तो ई के कोऑर्डिनेट क्या है, ए कोमा जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, ए क्यों, क्योंकि ई जो है इस लाइन के ऊपर है, तो लाइन है सेट ऑफ पॉइंट, हर पॉइंट पे एक्स ए गिवन है इन द सेम वे। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल टू फोर पे ए पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का फोर होगा, ये एक्स एक्सिस पे है बी, तो ये जीरो होगा। ई मिल गया तो बी मिल गया, तो बच्चों ओ पता है, तो एरिया ये बराबर है। अब ये वाला एरिया ओ डी ई यू, ओ डी ई यू ये बराबर है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले से, तो यहां पे एक्स की लिमिट्स लेते हैं ना ये वाली, तो इस एरिया में कर्व कौन सा है, एरिया फॉर्मूला का, तो एरिया की डेफिनेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया, कर्व के नीचे वाला एरिया और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एरिया, ये फॉर्मूला होता है, ये ए होता है ये बी होता है, याद रखा सबको, ये बता चुके हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, इस एरिया में एक्स की मिनिमम वैल्यू जीरो, ये जीरो जीरो आ रहा है, यहाँ पे ए जीरो आ रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू ए है, तो एक्स की वैल्यू जीरो होती, तो इंटीग्रल में एक्स की वैल्यू जीरो टू ए आ रही, ये जीरो ए आ रहा, और इस कर्व में वाई कितना, ये फॉर वाई, अगर वाई स्क्वायर एक्स है तो वाई कितना है, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स, माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल है ना, ये एरिया एक्स की वैल्यू कितनी है, मिनिमम और लोअर लिमिट बना दो, मैक्सिमम अपर लिमिट बना दो, तो कर्व कौन सा है, सेम है अंडर रूट एक्स। अब क्लियर सबको, इसको सोल्व करो, तो जीरो टू ए एक्स की वन बाय टू का इंटीग्रल, थ्री बाय टू पावर रूल से, ये भी थ्री बाय टू जी पावर रूल से, आई होप क्लियर सबको, तो बच्चों सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ए मिल जाएगा, तो देखिए टू बाय थ्री बन गया, टू बाय थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू, जीरो टू ए, टू बाय थ्री, थ्री बाय टू ए टू फोर, तो ये टू बाय थ्री, टू बाय थ्री कैंसिल, एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट, देखिए तो ए की थ्री बाय टू, ये भी ए की थ्री बाय टू है, जीरो की जितनी मर्जी पावर जीरो होती है, आया समझ सबको, ये टू टाइम्स हो गया, ऐसे फोर होता है टू का स्क्वायर, पावर्स मल्टीप्लाई टू से टू कट गया, तो ये आ गया टू टाइम्स ए की थ्री बाय टू, एट आ गया टू क्यू, ए की थ्री बाय टू, तो जो ए की पावर थ्री बाय टू, तो टू नीचे चल गया एट बाय टू फोर, तो ए निकालना है ना हमने बेसिकली, तो ए कितना आ गया, ये टू खत्म कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स, टू से टू कैंसिल, तो फाइनली आंसर इज, देखिए टू से टू कैंसिल, ए क्यूब इक्वल टू फोर स्केयर सिक्सटीन होता है ना, सिक्सटीन होता है ना, तो फोर स्केयर रहने दो कोई बात नहीं, ऐसे तो ए निकालना है, तो फोर की स्केयर इसकी पावर वन बाय थ्री, अगर ए क्यूब फोर स्केयर है तो ए कितना हो गया, ये नंबर जो राइट हैंड साइड 16 लिख लो, चलो कंफ्यूजन है तो 16 लिख लो, तो ए क्यूब 16 है, अगर ए क्यूब 16 है देखिए तो ए कितना है, इसकी पावर 1 बाय 3, तो 16 की पावर 1 बाय 3, दिस इज द आंसर, ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, 4 स्क्वायर की पावर 1 बाय 3, वो आपकी मर्जी है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये भी लिख सकते हो और 4 की पावर ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 2 बाय 3 भी लिख सकते हो, जहां 16 की पावर 1 बाय 3 लिख सकते हो, इस सबको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।